बनेगा करोड़पति के तर्ज पे हम लोग आज यहाँ पे, ये हमारे प्रश्न मंच बना हुआ है, इस पे हम लोग यहाँ पे आज खेलेंगे। तो हमारे पास ये पांच प्रश्न है, पांच प्रश्न का जवाब जो भी छात्र दे देगा वो हमारे साथ यहाँ आके हार्ड सीट पे बैठ के और हमसे आज कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पे हम लोग एक दूसरे से खेलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान सुनिएगा, है ना। एक प्रश्न रहेगा उसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन उत्तर एक होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर एक है, सबसे पहले भूलेगा, सबसे पहले भूलेगा। आ नंबर, पीसा नमक, नमक की थैली। ब नंबर, सा नंबर शक्कर के दाने। ड नंबर मिश्री की दाने। बताइए, दो लोगों से बना, चलिए ठीक है। मधु आप बताइए। आ नंबर, पीसा नमक। चलिए ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। प्रश्न नंबर एक का सही जवाब, प्रश्न नंबर एक का सही जवाब मधु ने बताया है, ठीक है ना। आप प्रश्न नंबर दो, मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है, मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है, तब आप क्या करेंगे। आ नंबर, मंदिर के पुजारी के पास जाएंगे। ब नंबर, तांत्रिक के पास जाएंगे। सा नंबर, घर पर ही इलाज करेंगे। ड नंबर, डॉक्टर के पास जाएंगे। तीन लोगों ने हाथ उठाया, चलिए हरी की नाम बताइए। ड नंबर, डॉक्टर के पास जाएंगे। इनके लिए ताली बजाइए। चलिए तीसरा प्रश्न, करेले का स्वाद होता है, करेले का स्वाद, करेला जानते हैं ना, करेला एक फल होता है, सब्जी जिससे बनती है ना, करेले का स्वाद होता है। आ नंबर, खट्टा होता है। ब नंबर, कड़वा होता है। स नंबर, मीठा होता है। ड नंबर, कसैला होता है। कौन बताएगा। पांच लोग हाथ उठाए हैं, चलिए पांचों से पूछ लेते हैं। पहले हरी किस बताइए। ब नंबर, ब नंबर में क्या है, कड़वा होता है। आप बताइए। बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए मधु को। आप भी आप बताइए, ब नंबर में क्या है, कड़वा होता है। चलिए ताली बजा दीजिए इनकी लेकिन। और पूनम बताइए, पूनम तुम बताओ क्या होता है। बा नंबर, बा नंबर क्या दिया है, कड़वा होता है। चलिए ताली बजा दीजिए पूनम के लिए। चलिए अब चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न सोच समझ के इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। चींटियां एक के पीछे एक कतार में चलती हैं, चींटियां एक के पीछे एक कतार में चलती हैं, कैसे चलती हैं। आ नंबर, रास्ता देखकर। ब नंबर, छाया देखकर। स नंबर, आवाज सुनकर। द नंबर, द्रव सुनकर। हरी के तीन लोगों ने हाथ उठाया लेकिन पहला जवाब हरी के दिया, तो बताइए क्या होगा। ड नंबर, ड्रव सुनकर। हरी तीन के लिए ताली बजाइए। इसमें जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है ना, वही यहाँ पे हार्ड सीट तक पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए हमारी बात पहले और फिर जल्दी से हाथ उठा दीजिए। अब अंतिम प्रश्न है पांचवा, सबसे महंगा ईंधन किसमें लगता है,
ये जो गाड़ियां चलती हैं है ना, उनके नाम इसमें दिया गया है। सबसे महंगा ईंधन किसमें लगता है? आ नंबर कार में, साइकिल में, हवाई जहाज में, मोटरसाइकिल में। चलिए मधु बताइए कौन सा नंबर है सही। तुम बताओ हरिकेन। मधु ने बताया हवाई जहाज सा नंबर। मधु के लिए ताली बजाइए। तो देखिए इसमें आज जो है अंतिम प्रश्न में जो है अंतिम प्रश्न का उत्तर जो है मधु ने सही बताया, ठीक है ना। और बाकी चार प्रश्न का उत्तर जो है हरि किसने बताया, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले खेलेंगे जो है हॉट सीट पे हरि किन के साथ। चलो इधर आ जाओ, इनके लिए ताली बजाइए। चलिए बैठिए 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 ना कुर्सी बैठिए ना, अरे कुर्सी बैठिए बैठिए कुर्सी में हाथ से बैठिए। कुर्सी बैठने शर्माते हैं बच्चे, है ना, लेकिन यहाँ पे हर सीट है ना, यहाँ पे कुर्सी बैठने में कोई दिक्कत नहीं है ना, हम बैठा रहे हैं ना। तो ये देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपके सामने कंप्यूटर बाबा है। अब ये कंप्यूटर बाबा आपसे सवाल पूछेंगे। आप सवाल पहले सामान्य ज्ञान दिया है, इधर देख लीजिए सवाल है ना, सर नंबर, और हम प्रश्न करते जाएंगे, आप वहां देखते जाएंगे, ठीक है। और उसमें ऑप्शन भी दिया है, चार ऑप्शन दिया है, तो उसको आप उसका उत्तर आप जो है बताएंगे, ठीक है। जब उत्तर बताएंगे तो आपको एक सवाल, यदि एक सवाल आपका सही रहेगा तो उसमें आपको ₹5 मिलेगा। यदि दूसरा सवाल पूछेंगे उसमें भी सही रहेगा तो आपको 10 मिलेंगे, 5 का 10 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और जब तीसरा प्रश्न पूछेंगे और आपसे प्रश्न का जवाब यदि आपका उत्तर गलत हुआ तो आप जितनी भी धनराशि जीते रहेंगे ₹10, वो धनराशि लौट आएगा, कंप्यूटर बाबा वापस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं हरि किरण प्रजापति कक्षा 5वीं के छात्र, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए सबसे पहले आपका प्रश्न है, हम सामान्य ज्ञान से पूछेंगे। सामान्य ज्ञान आपके इसमें कंप्यूटर वाले पूछेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है ना। सबसे पहला प्रश्न दिए उसमें आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, आपके जिले का नाम है, ऑप्शन दिया है, ध्यान से खेलिएगा सोच समझ कर। आपके जिले का नाम है, ऑप्शन है ए नंबर सीधी, बी नंबर रीवा, सी नंबर सिंगरौली, डी नंबर सतना। नंबर ए में लॉक कर दिया जाए, चलिए नंबर ए को लॉक कर दिए। अब कंप्यूटर बाबा इसका उत्तर बताएंगे, क्या बताए हैं, ए में क्या दिया है, अरे सही हो गया, ताली बजाइए। बहुत अच्छा जवाब, हरी किसने बहुत अच्छा खेले, जिले का नाम सीधी है, बिल्कुल यस करेक्ट। चलिए आपने ₹5 की धनराशि जीत लिया, ₹5 आपके अकाउंट में, ₹5 हम अभी क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो भी बहुत सोच समझ के खेलिएगा, आप अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, है ना, आपकी शुरू से ही आपकी जो सकारात्मक सोच है बहुत अच्छी है। तो चलिए प्रश्न नंबर दो, आपके स्कूल का नाम है, आपके स्कूल का नाम क्या है, नंबर ए सतपहरी, बी बगैहा, सी बरमहुआ, डी बरम बाबा। बी में बी को लॉक कर दिया, सच में, यदि बी को कंप्यूटर बाबा लॉक कर दो,
बी को लॉक कर दिया गया। क्या बताया था आपने? बी। बी में क्या दिया स्कूल का नाम? बगैरा। अरे करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अरे किन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए आपको जो है दूसरे सवाल में भी अब 5 का 10 हो गया, ठीक है, 10 रुपए आपके 50 आप जीत गए, है ना। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर 3 में है, बहुत सूझबूझ के साथ खेलिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं, नहीं तो तीसरे नंबर का यदि उत्तर आपने गलत बताया तो जो भी धनदास आपने जीता है 10 रुपए वो बिल्कुल कंप्यूटर बाबा वापस कर देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके स्कूल में कौन सा पेड़ है? नंबर 1 महुआ का पेड़ है, बी नंबर पीपल, सी नंबर बरगद, डी नंबर कुछ नहीं, ए नंबर। ए नंबर को लॉक कर दिया जाए, ए नंबर को लॉक कर दिया जाए। बोलिए बोलिए, नमूना ही आइए। यस, अच्छा लॉक कर देते हैं कंप्यूटर बाबा, लॉक कर दिए, ठीक है। ए नंबर में क्या दिया है? ए नंबर क्या दिया है? महुआ, सही है, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं हरी को, आप भी मिलाइए ताली मैडम जी, हरी किन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, 4 प्रश्न बहुत अच्छे से खेलिएगा, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपकी सकारात्मक सोच बहुत अच्छी है। आपके स्कूल में शिक्षक हैं, इस समय जितने शिक्षक हैं वर्तमान में, है ना, अभी मैडम जी भी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है ना। आपके स्कूल में शिक्षक हैं, ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 1। बी नंबर, बी नंबर को लॉक कर दिया जाए, सच में, चलो कंप्यूटर बाबा लॉक कर दो, बी नंबर लॉक कर दिया गया। बहुत सही खेल रहे हैं, ताली बजाइए, जीत गए, बहुत सही। बी नंबर में क्या दिया है उत्तर? 3 शिक्षक, है ना। चलिए आप प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 में अभी अंतिम प्रश्न है, ये हमारे सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इसका आप सही जवाब बताएंगे। अब आपकी धनराशि कितनी हो गई पता है? अब ये आप 5वां प्रश्न है, पहला प्रश्न का जवाब आपने सही दिया 5 रुपए, दूसरा सवाल जवाब सही दिया उसका डबल हो गया 10 रुपए, ठीक है ना। अब ये 5वां सवाल आप बताएंगे, इसका सीधे 10 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। आपके स्कूल के बगल में सटा हुआ घर है, ये आपका स्कूल है ना, आप देख रहे हैं ना, आपके स्कूल से सटा हुआ बगल में घर है, सटा हुआ है ना, हमारे बाउंड्री से सटा हुआ है। आ नंबर में दिया है अर्जुन, बी नंबर उनेश का घर, सी नंबर दीनानाथ, और डी नंबर किसी का नहीं, लॉक कर दिया जाए, चलो कंप्यूटर बाबा लॉक कर दो। चलिए आपका ये लॉक हो गया, अब देखते हैं कंप्यूटर बाबा क्या बताते हैं। बी नंबर, बहुत सही, बहुत सही, बी नंबर आपका उत्तर, आपने हमारे 5 सवालों का जवाब सही दिया। आपने कितने रुपए जीत गए? कितने रुपए हो? 20 रुपए, 20 रुपए की धनराशि आपने जीत लिया सामान्य ज्ञान में, ठीक है ना, 20 रुपए। तो आगे और खेलेंगे, अभी और खेलेंगे, आप 20 रुपए जीत गए हैं अभी, है ना। अब आपका हम गणित विषय पे आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना, गणित विषय पे आधारित प्रश्न पूछेंगे, यदि आप खेलना चाहेंगे तो आप और धनराशि खेल सकते हैं।
आप जितना धनराश खेल सकेंगे, जितना पैसा बटोर सकेंगे आप खेल लीजिए, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 रुपए आप खेल लिए हैं, जीत गए हैं, अब इसमें यदि प्रश्न नंबर अभी छठवां प्रश्न होगा हमारा, है ना, गणित विषय का आधार जिसको हम पूछेंगे, जब इसमें आप आ जाएंगे ना, पहला प्रश्न ये 20 रुपए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बाबा वापस ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप जीत जाएंगे कि 20 का आपका डबल हो जाएगा, 20 का 40 रुपए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो पैसा की लालच में तो खेलेंगे ही, चलिए ठीक है, खेल लीजिए। चलिए कंप्यूटर बाबा को कर देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर एक, ये हमारे अभी प्रश्न बैंक पे आधारित है, गणित विषय पे, है ना, इसको सोच समझ के खेलिएगा। प्रश्न नंबर छठवां है, वैसे प्रश्न बैंक पे आधारित पहला प्रश्न है, लेकिन खेल के माध्यम से मतलब जो हम खिला रहे हैं वो छठवां है, ठीक है। अगस्त माह में कितने दिन होते हैं, अगस्त माह में कितने दिन होते हैं, आ नंबर 30 दिन, 28 दिन, बी नंबर 28 दिन, सी नंबर 29 दिन और डी नंबर 31 दिन। डी नंबर को लॉक कर दिया जाए, चलो कंप्यूटर बाबा लॉक कर दिए, डी नंबर को लॉक कर दिए, बहुत सही जवाब, सही बताइए। अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, अरे के बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज हमारे साथ, हार्दिक पे बैठे हैं, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न, ये सातवां प्रश्न है, अब आपका कितना हो गया, आपने प्रश्न नंबर छठवें का सवाल दे दिया है ना, ये आप जीत गए, ठीक है ना, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न पूछेंगे यदि हार जाएंगे तो आपका जीता हुआ धनराश कंप्यूटर बाबा वापस कर लेंगे, ये ध्यान से खेलिएगा सोच समझ के। अब इस प्रश्न को बहुत सोच समझ खेलिएगा, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में, वहां पे देखिए कंप्यूटर में, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ए नंबर 2, बी नंबर 100, सी नंबर 20, डी नंबर 200 सेंटीमीटर। डी में डी को लॉक कर दिया जाए, बोलिए डी को लॉक कर दो कंप्यूटर वाला, डी को लॉक कर दिए, अरे बहुत सही सवाल, बहुत सही उत्तर, शादी हो जाएंगे भाई। चलिए आपकी धनराश अब इसमें बढ़ गई, 40 था, अब 40 में आपको डायरेक्ट जो है मतलब कितना हो गया सतमे में, अभी 10 रुपए बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है सातवां, आठवां प्रश्न, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ए नंबर 6, बी नंबर 7, सी नंबर 5, डी नंबर 8, बताइए सही है, लॉक कर दिया जाए, चलो कंप्यूटर बाबा लॉक कर दिए। बी नंबर क्या था, हाँ बहुत सही, बहुत सही उत्तर, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक बार दो ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे खेल रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, इसको बहुत सोच समझ के खेलिएगा, यदि एक भी प्रश्न का इसका उत्तर आपने गलत बताया तो जितनी धनराश आपने जीता है वो आपकी धनराश कंप्यूटर बाबा वापस कर देंगे। ये हमारा जो है कौन सा प्रश्न है, नौवां प्रश्न, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, ए नंबर 133, बी नंबर 365, सी नंबर 344 और डी नंबर 377। ए
एक बार ध्यान से देखिए, एक साल में दिन कितने होते हैं? दिन पूछा है ना, एक साल में प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया है, एक साल में कितने दिन होते हैं? वहां देखिए, ए नंबर 133, बी नंबर 365 दिन, सी नंबर 344, डी नंबर 377। बताइए कौन सा नंबर है, नंबर बताइए। उसमें ए नंबर दिया 133, बी नंबर 365, बी नंबर दिया है, बी नंबर चौथा प्रश्न में देखिए, बी नंबर दिया है, चलिए ठीक है, 365 दिन लॉक कर दिया जाए। चलिए कंप्यूटर बाबा लॉक कर दीजिए। बहुत सही, बहुत सही बाबा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। बहुत सही। अब अंतिम प्रश्न है, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? नीचे ही लिखा है, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 1, डी नंबर 4। बी नंबर, बी नंबर क्या है? लॉक कर दें, लॉक कर दें। सही है कंप्यूटर बाबा, लॉक कर दें। बहुत सही जवाब। तो आज की जो है इस करोड़पति गेम में जो है हमारे साथ भाग लेके कक्षा पांचवी के साथ हरी क्विज प्रजापति, आज इन्होंने जो है हमारे पूरे प्रश्नों का जवाब का सही उत्तर दे दिया है, ठीक है ना। तो आज के आज को जो है केबीसी की तरफ से इन्हें विजेता घोषित किया जाता है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो आपने कितनी धनराशि जीत लिया है? आपका जो है धनराशि कितना हो गया? 50 रुपए। आज इस गेम में इन्होंने 50 रुपए जीत लिए हैं, ठीक है। तो जीत के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। ये बताइए, अब एक हमारा सवाल है, ये जो 50 रुपए आप जीत लिए हैं, तो ये धनराशि इसको लेकर के आप क्या करेंगे? अपने लिए आप कापी किताब खरीदेंगे, कापी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, या कापी खा लेंगे? फ्रेंड बैंक तो हम दे देंगे, फ्रेंड बैंक तो हम ही दे देंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? हाँ बहुत अच्छा, ताली बजाइए, बहुत अच्छी सोच है। देखिए इन्होंने आज जो धनराशि यहाँ पे जीता है, उस धनराशि से क्या करेंगे? अपने लिए काफी खरीदेंगे। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है ना। आप लोग भी अगले शनिवार को, मतलब अभी तो आज से जो है एक हफ्ते की छुट्टी होगी, इसके बाद जो अगला शनिवार आएगा उसमें हम पुनः खिलाएंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ हार सीट पे बैठेंगे और खेलेंगे। जो भी धनराशि आप जीतेंगे अपने लिए जो है, जो भी आपके पास कॉपी है, पेन है, पेंसिल है ना, नहीं है उसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जोरदार ताली बजाइए। तो आज का यह खेल यहीं पे जो है समाप्त होता है, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोगों को?